Now we are going to start chapter 26, Lost Game. So, बच्चों, video games और gadget की दुनिया में हम उन games को लगभग भूल ही गए हैं जो कभी हमारे traditional games हुआ करते थे, पारंपरिक खेल हुआ करते थे. So, हमारे पास ये opportunity है कि हम उन games को याद करें और मैं आपको उन्हें खेलने का तरीका भी बताऊं. तो सबसे पहले हमारे पास गेम है बच्चों सतोलिया. सो खेलता था कोई ये गेम द सेवन स्टोन्स. ओके, तो देखते हैं इस गेम में क्या क्या होता है. नीड सेवन स्मॉल फ्लैट स्टोन्स, यहाँ दिख रहा होगा आपको, हमें स्मॉल फ्लैट स्टोन्स चाहिए, पत्थर चाहिए या फिर मार्बल के पीसेस चाहिए, फ्लैट होने चाहिए. एवरी स्टोन साइज शुड बी smaller in size than the other one. मतलब एक सबसे बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा और छोटा, चौथा उससे छोटा, पांचवा उससे छोटा. इस तरह हर एक जो स्टोन का साइज है वो धीरे धीरे छोटा हो जाना चाहिए. राइट, ओके. सो टू टीम्स खेलती हैं इसे विद इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स. सो अगर चार जने खेल रहे हैं तो दो एक तरफ और दो एक तरफ. और हमें क्या चाहिए, वन सॉफ्ट टेनिस बॉल, रबड़ की बॉल चाहिए हमें इसे खेलने के लिए. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. नाउ इंस्ट्रक्शंस क्या है, अरेंज द सेवन स्टोन्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. सो हमें उन्हें अरेंज करना है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था. नेक्स्ट करना है, हमने टॉस करना है कॉइन को, ये डिसाइड करने के लिए कि पहले कौन अटैक करेगा. ओके, द डिफेंडिंग टीम विल टेक देयर पोजीशंस फॉर द फील्डिंग पर्पस. डिफेंडिंग टीम क्या करेगी, फील्डिंग के पर्पस से अपनी अपनी पोजीशन ले लेगी, अपनी अपनी जगह पर जाकर डिफेंडिंग टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खड़े हो जाएंगे. द अटैकिंग टीम विल गेट थ्री चांसेस टू हिट द पाइल ऑफ स्टोन. वो जो हमने स्टोन्स का एक पाइल बनाया है, एक के ऊपर एक रखा है, उसको अटैक करने के अटैकिंग टीम को तीन चांसेस मिलेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से. ओके, और जो ओपोनेंट प्लेयर्स होंगे जो उसको डिफेंड कर रहे होंगे वो बॉल को कैच करेंगे, जो अटैकर बॉल फेंकेगा ना उसको कैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टोन्स को वो टच नहीं करेंगे, स्टोन्स को नहीं गिरा सकते वो. देन द अटैकर विल बी आउट. अगर उन्होंने कैच कर लिया तो अटैकर आउट हो जाएगा एंड द नेक्स्ट प्लेयर विल कम. ओके, इफ द ओपोनेंट प्लेयर मिसेस टू कैच द बॉल, अगर ओपोनेंट जो प्लेयर है, जो हमारी दूसरी तरफ जो प्लेयर्स हैं, एक तो अटैक कर रहा है और एक डिफेंड कर रहा है, अगर वो बॉल को मिस कर देता है कैच करने से और स्टोन्स भी डिस्ट्रक्ट नहीं करता है, देन ही विल गेट अनदर चांस अप टू थ्री. ओके, सो उसको दूसरा चांस मिलेगा तीन बार तक. आफ्टर थ्री चांसेस ही विल बी आउट, वो आउट हो जाएगा एंड द नेक्स्ट प्लेयर विल गेट द चांस टू अटैक, और दूसरे प्लेयर को अटैक करने का चांस मिल जाएगा. इफ द ओपोनेंट प्लेयर कैचेस द बॉल, अगर वो कैच कर लेता है ओपोनेंट प्लेयर और स्टोन्स को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तब जो प्लेयर है, जो अटैकर है, वो आउट हो जाएगा. ओके, सो इफ द ओपोनेंट प्लेयर misses to catch the ball and the stones are also destructed. अगर जो opponent player है वो ball को catch करने का chance miss कर देता है और stones destruct हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, गिरा देता है वो stones को, then the real games begin. तब शुरू होता है real game. The aim of the attacker team, अटैकर टीम का तब उद्देश्य क्या हो जाता है, एम क्या बन जाता है, कि उन पाइल ऑफ स्टोन्स को, उन पत्थरों को फिर से अरेंज करे एंड देन शाउट आउट पिट्ठू. ओके, सो इफ अटैकर्स आर एबल टू अरेंज स्टोन्स बैक, अगर अटैकर्स स्टोन्स को दोबारा से अरेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस प्लेयर को वन पॉइंट मिलेगा और जो प्लेयर गेम से पहले आउट हो गए थे वो वापस गेम में आ जाएंगे.
If defenders are able to hit the ball to any one of the attacking team members, अगर जो defender हैं वो ball को hit करने में कामयाब हो जाते हैं, then the whole team will be out. तो whole team out हो जाएगी and the defenders would be attackers. और जो defender हैं वो अब क्या बन जाएंगे? Attackers बन जाएंगे. They do not get a point for doing this. लेकिन उन्हें ऐसा करने पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा. Now, आप इसे नोट करो, फील्डिंग टीम कैन नॉट रन वाइल हैविंग द बॉल इन द हैंड. सो जब तक बॉल हाथ में है फील्डिंग टीम भाग नहीं सकती है. दे कैन ओनली पास द बॉल टू देयर टीम मेट्स. वो सिर्फ अपने टीम मेट्स को बॉल पास करा सकते हैं, जहाँ पर खड़े हैं वहीं से वो भागेंगे बिल्कुल भी नहीं. एज सून एज द बॉल नॉक्स ऑफ द पाइल ऑफ स्टोन, जैसे ही बॉल स्टोन्स के ऊपर लग जाती है जाके, डिफेंडर टीम विल गेट होल्ड ऑफ द बॉल एंड ट्राई देयर बेस्ट टू गेट द ओपोनेंट टीम मेंबर्स आउट. सो जो डिफेंडर टीम है वो बॉल पर अपना होल्ड बना लेती है और कोशिश करती है कि ओपोनेंट टीम के मेंबर्स आउट हो जाएं, उनको हिट करके, जैसे कि बॉल उनके पैर में हिट कर दी या बॉल उनको कहीं पर भी हिट कर दी, उनके घुटनों से नीचे वो उन्हें हिट कर सकते हैं. और अटैकिंग टीम का जो एम होता है वो ये होता है कि उन पाइल्स को अरेंज कर दिया जाए बिफोर द अदर टीम कैन मेक ऑल द प्लेयर्स आउट, इससे पहले कि जो दूसरी टीम है वो उनको बॉल हिट कर करके आउट कर दे. उससे पहले अगर वो पाइल्स ऑफ स्टोन को अरेंज कर लेते हैं तो वो जो आउट हो रहे होते हैं ना मेंबर्स, जो आउट हो चुके होते हैं, वो वापस से गेम में आ जाते हैं. तो आप में से बहुत लोगों ने ये गेम खेला होगा. सो बताइए बच्चों, तो मज़ा आ रहा है ना इस गेम को सुनकर? तो चलिए आप ज़रूर से खेलिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा. इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.